हफीज़ा है और मैंने यहाँ पर एकेडमी ज्वाइन की है, जीना जुडिशियल एकेडमी। मैंने इससे पहले भी एक दो एकेडमीज़ को ज्वाइन किया था, लेकिन मैंने जो सेटिस्फेक्शन इस एकेडमी में आके पढ़ाई से मुतलिक देखी है, मैंने कहीं भी ऐसी सेटिस्फेक्शन नहीं मुझे हुई। मुझे ये प्राउड फील होता है कि मैंने यहाँ आई हूँ। मुझे जो कॉन्सेप्ट से हमने, हालांकि ये USO पढ़ा है और CRPC और PPC को जो पढ़ा है हमने, तो जो कॉन्सेप्ट्स यहाँ आकर मुझे क्लियर हुए हैं, मैंने कहीं भी, हमने पेपर्स भी दिए थे उससे, लास्ट टाइम भी हमने पढ़ा था, लेकिन जो कॉन्सेप्ट सर जफर हलील ने हमें क्लियर किए हैं, तो अब पता लगा है कि ये PPC और CRPC जो है वो जेन्युइन, इसके अंदर क्या थ्योरी है और क्या वो सब्सटेंसिव लॉ है या प्रोसीजर जो CRPC ने बयान की है, वो इतने अच्छे तरीके से उन्होंने कॉन्सेप्ट्स हमारे क्लियर किए हैं कि अब हमें पता लगा है कि असल एक्चुअल लॉ है क्या चीज़ और उसकी इम्प्लीमेंटेशन किस तरह और कैसे होगी। ये सर ने हमें जो हमारे कॉन्सेप्ट्स हैं बहुत अच्छे तरीके से क्लियर किए हैं। और जब हम लोग जब रोज़ाना का पढ़ते हैं, तो अगले दिन सर जफर खलील का ये बहुत अच्छा एक टास्क है कि वो हमसे डेली का डेली टेस्ट शेड्यूल भी है, फिर उसके बाद आफ्टर वीकली जो है हमारे वीकेंड में जो है हमारे दो टेस्ट लाजमी होते हैं, उसमें हमारा जो है तमाम कॉन्सेप्चुअल मज़ीद क्लियर करती हैं। और ये उनकी एक बहुत अच्छी एक मैं फेवर करूँगी सर की, कि जब भी वो हमारा होता है कोई भी, हमें कोई कॉम्प्लिकेशन हो जाए किसी भी मैटर से या किसी भी जो भी उन्होंने पढ़ाया, तो वो हमें अपने जो टेक्स्ट मैसेजेस हम उनको कहते हैं उसका हमें इंस्टेंट रिप्लाई करते हैं और हमें जो है किसी किस्म की कोई कन्फ्यूजन वो रहने नहीं देते, और वो जो है इस चीज़ को वो बड़े अच्छे तरीके से जो है ना डील करते हैं, और हम इनकी पढ़ाई से बहुत सेटिस्फाइड हैं और इन्होंने हमारे जो कॉन्सेप्ट्स हैं बहुत क्लियर कर दिए हैं। मैं इनका बहुत थैंकफुल हूँ।